SC ST थाने में लगभग जो है 5 से 6 घंटे बैठे हुए हैं, उनका FIR जो है वो नहीं लिया जा रहा। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का तानाशाही चल रहा है। एक मुख्य सचिव का अधिकारी उस रैंक का बकायदा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, एविडेंस के साथ, वो मुख्यमंत्री जी पर और उनके कई अधिकारियों पर FIR करने पहुंचता है, लेकिन FIR नहीं लिया जाता। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, चुनाव का वक्त था, नेता विरोधी दल पर FIR हो जाता है हत्या का। हमने खुल करके बोला था भाई कि आप जांच कराइए, जब नेता विरोधी दल पे FIR हो सकता है तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर FIR क्यों नहीं हो रहा, और वो भी वो करने वाले हैं मुख्य सचिव के रैंक के अधिकारी, बाकायदा दस्तावेज के साथ। आप कल्पना कर सकते हैं, बल्कि थाना का प्रोसीजर है, कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो उसको कंप्लेन को लेना ही पड़ता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी के अधिकारी जो हैं, जो प्रधान सचिव हैं, उनके मंत्री भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं और इनके अधिकारी जो मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं वो भी उन्हीं पे आरोप लगाते हैं, और इसमें बात तो बढ़ गई है भाई। आखिर ऐसा क्या प्रेम है कि कोई कार्यवाही नहीं करते नीतीश कुमार जी? हमने तो खुल करके ना बोला था कि भाई जांच कराइए, और 10 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आ गया था, सच सामने आ गया था मेरे ऊपर, हमको क्लीन चिट दे दिया गया था। तो सांच को आंच किस बात का? नीतीश कुमार जी सुशासन का दुहाई देते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की। मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, उनके अधिकारियों पर आरोप लग रहा है, और एक थाना में उनके खिलाफ जो है FIR नहीं दिया जा रहा। अब वो भी वैसा व्यक्ति जो समय पर जो गृह सचिव भी रह चुका हो, जिसको सारे नियम हवाले पता है, कानून की जानकारी है, और इतने घंटे से जो है अब तक जो है बैठा करके रखा गया हो। ये बड़ा गंभीर मसला है। देश में आज तक हमने नहीं देखा कि ऐसे मुख्यमंत्री पर आरोप लगता हो और तानाशाही रवैया अपनाया गया, कंप्लेन ही नहीं लिया जा रहा। अरे भाई कंप्लेन ले लीजिए, इंक्वायरी जो भी होता है, पहला कंप्लेन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कर लेगा भाई, पता चलेगा कि कंप्लेन में दम है कि नहीं है, तो इसमें डर किस बात का है भाई? कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि हाई कोर्ट जो है क्या क्या टिप्पणी राज्य सरकार पे नहीं किया, क्या क्या नहीं बोला गया कि माइंडलेस गवर्नमेंट है, माइंडलेस, इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि जो उन पे आरोप लगा है वो आरोप सही है या क्या है, उस पर जस्टिफाई करें भाई। जस्टिफाई तो बनता है ना, एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, FIR करने पे लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को तो सामने आकर के बताना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। यानी यहां तो राजशाही चल रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तानाशाह राजा बने हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। भय किस बात का है, डर किस बात का है, क्यों ऐसे छुपे हुए हैं, क्यों FIR नहीं होने दे रहे हैं, क्यों 5-6 घंटा से उस अधिकारी को वहां बैठाया गया है?
वो तो पूरी तरीके से कानून का पालन करते हुए तरीके से एकदम जाकर के अपना कंप्लेन कर रहे हैं, दस्तावेज दे रहे हैं। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, थाने की जिम्मेदारी है कि कंप्लेन ले, FIR दर्ज कराए, इन्वेस्टिगेट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन ये बात जो है दूर तक जारी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के मंत्री, भाजपा के विधायक, IAS ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके निजी अधिकारियों पर, उनके प्रधान सचिव पर अगर आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति ने नहीं, अलग अलग व्यक्तियों ने, वो भी सत्ता में रहने वाले लोग, ध्यान से तो ये मामला कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ये मामला दूर तक जाएगा, क्यों मुख्यमंत्री पे FIR नहीं हो सकता? आप लोगों ने भी कई बार दिखाया था, जब हम पे हत्या का मुकदमा हुआ, हमने खुद आपको बोला कि भाई जांच होनी चाहिए, जांच कराई जाए चुनाव के समय, क्या दिक्कत है? लेकिन इस तरह की घटना अगर हो रही है तो आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार में किस प्रकार का सुशासन चल रहा, तानाशाह चल रहा, पूरी तरीके से भ्रष्ट लोगों का जिम्मेदारी दी गई है। बिना भ्रष्टाचार के कुछ नहीं होता है, ईमानदार लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, पूरे सुशासन में नीतीश जी का यही काम हुआ है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पुलिस से भी निवेदन करेंगे, DGP से भी आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री या कोई हो, कंप्लेन तो दर्ज होना चाहिए, ये उनका अधिकार बनता है। आखिर मुख्यमंत्री हैं तो कोई कंप्लेन नहीं हो सकता? ये तो पद का दुरुपयोग करना है। माननीय नीतीश कुमार जी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, और ऐसे ऐसे कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जो है बार बार बचाने का काम कर रहे हैं। आखिर कौन सा प्यार है, कौन सा प्रेम है कि उनके मंत्री भी कहते हैं, हर विधायक से लेकर के सब लोग कह रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी का प्यार जो है उस अधिकारी के प्रति जागा हुआ? अब तो मुख्यमंत्री पर FIR हो रहा, बकायदा सबूत। और हमको लगता है कि अगर FIR होगा तो इसमें बुरी तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी फंसने जा रहे हैं, पूरी तरीके से। और यही कारण है, डर का कारण है, जिसके लिए ये FIR तक नहीं होने दे रहे, यही एक कारण है। तो इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हमको तो लगा, भाई आज अचानक से आप न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा, बोले तो बड़ा गंभीर मसला, कोई मुख्य सचिव रैंक का अधिकारी कोई मामूली रैंक नहीं होता। एग्जीक्यूटिव पावर में अगर देखा जाए तो CM के बाद जो है उन्हीं लोगों को पावर है, उसी रैंक के अधिकारियों को ज़्यादातर पावर है। अगर ऐसी बात आ रही है, जिन उनके अंडर काम किया होगा, कोई बात होगी तो कंप्लेन तो लेना चाहिए। आखिर कारण क्या है, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा। ना नैतिकता बचा, ना अंतरात्मा बची मुख्यमंत्री जी की। बात बात पे हमको कहते थे कि भाई एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हत्या का मुकदमा कैसे रफा दफा हुआ वो सब लोग जानते हैं, जो उन पे हत्या का आरोप था, उस पे हमको कुछ नहीं कहना। जो मरे हैं उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिएगा। लेकिन ये बात, ताज़ी ताज़ी बात, ये आज की घटना, अभी भी शायद जो अधिकारी जो हैं SC ST थाने जो हैं बैठे हुए, और एक दलित अधिकारी कंप्लेन कर रहा है सैकड़ों कागजों के साथ, जरूर उस कागज में दम होगा, जरूर
उस अधिकारी ने साहस दिखाया है, हम तो मांग भी करेंगे भाई वैसे अधिकारी को सुरक्षा भी प्रदान की जाए, सुरक्षा भी दी जाए। और इतना साहस दिखाया है तो बिना कोई एविडेंस के इतना बड़ा अधिकारी जो है ये बचकानी हरकतें नहीं करेगा, जरूर कुछ ना कुछ है। और उसी के कारण के वजह से मुख्यमंत्री जो है एफआईआर नहीं होने देना, और इस पे कुछ बोलते नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका आरोप क्या है। सुनने में आया कि कागज आगज जो है सब सीएम हाउस में जा रहा है, कॉपी लेके भाग गए, कॉपी लेकर के कोई भाग जा रहा है, दस्तावेज जो है मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा है, उनके लीगल सलाहकारों को बुलाया गया है, पूरे अधिकारों की मंडली को बैठा दिया गया है। भाई कि क्या मामला है, इस तरह की हरकतें होगी भाई? अब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो तय करेगा कि उस पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे कानून चलेगा, ऐसे कानून का राज चलेगा? ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मसार करता है। और मुख्यमंत्री जी कम से कम, डीजीपी साहब कम से कम अपने कर्तव्यों को निभाएं, इन्वेस्टिगेट कीजिए, एफआईआर कंप्लेन लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आखिर डर किस बात का अगर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया तो? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी ना एफआईआर नहीं हो रहा है, ये बात तो सिद्ध हो गया। हम लोग को लगा चलो भाई एक घंटा में हो जाएगा एफआईआर, दो घंटा में हो जाएगा, तीन घंटा में हो जाएगा, तो पाँच छः घंटे हो गए दोपहर से आदमी बैठा हुआ है, वहाँ अधिकारी बैठा हुआ है, एफआईआर नहीं होना? यानी जरूर दूध में दूध दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, और इसमें जरूर मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होगी। और सारे दस्तावेजों को मुख्यमंत्री आवास जो है वो बुलाया जा रहा है, दिखवाया जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी को सामने आके आप लोगों के सामने कम से कम कहना चाहिए था तेजस्वी की तरह कि मुकदमा किया है तो जांच कराओ, एफआईआर हुआ है तो जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे ऊपर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो उसको स्वीकृत कराया जाए और जांच कराया जाए? हम तो अभी ये भी नहीं कह रहे कि भाई पद से इस्तीफा दे दीजिए और जाँच कराइए, हम तो कह रहे हैं कि भाई कम से कम उस अधिकारी ने साहस दिखाया है, इतने सैकड़ों दस्तावेज के साथ वो कंप्लेन करने गए हैं मुख्यमंत्री पर, तो कम से कम वो एफआईआर तो होनी चाहिए।